Good morning, all students. Today I will teach you chapter 2, A Time to Celebrate. In this story, there was a girl whose name was Chitra. She was very happy because the class had to do a project on festival all over the world. She was excited because she did not know more about festival. So she came home and asked her mother to tell about all festival and how they are celebrated. Let's see how her mother tell her about all festivals. Let's see the whole story. One day Chitra came home from school very excited. एक दिन चित्रा स्कूल से खुशी खुशी घर वापस आई. द क्लास हैड टू डू अ प्रोजेक्ट ऑन फेस्टिवल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. क्लास में सभी बच्चों को संसार के सभी त्योहारों के बारे में प्रोजेक्ट बनाना था. मम्मी विल यू टेल मी अबाउट फेस्टिवल्स एंड हाउ दे आर सेलिब्रेटेड, आस्क्ड हर मदर. चित्रा ने अपनी माँ से पूछा कि मम्मी क्या तुम मुझे सभी त्योहारों के बारे में बताओगी और उसे कैसे मनाते हैं. यस ऑफ कोर्स, रिप्लाइड हर मदर. उसकी माँ ने जवाब दिया कि बिल्कुल. एंड आफ्टर डिनर चित्रा बिगेन टू टेक नोट्स व्हाइल हर मदर टोल्ड हर ऑल अबाउट फेस्टिवल्स. डिनर के बाद जब चित्रा की माँ ने त्योहारों के बारे में उसे बताया तो चित्रा ने उसे नोट किया. देयर आर थाउजेंड्स ऑफ फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड. संसार में हजारों त्योहार मनाए जाते हैं. मेनी आर रिलीजियस फेस्टिवल. कई धार्मिक त्योहार हैं. सम आर एग्रीकल्चरल फेस्टिवल्स वेयर फार्मर्स सेलिब्रेट ए गुड क्रॉप. कुछ कृषि से संबंधित त्योहार है जो किसान अच्छी फसल होने पर मनाते हैं. सम फेस्टिवल्स हैव कम टू अस फ्रॉम फोल्क्लोर, एक्सप्लेन चित्रा'स मदर. चित्रा की माँ ने कहा कि कुछ पुरानी कहानियों से संबंधित पुरानी जगहों देशों से संबंधित त्योहार मनाते हैं. मम्मी कैन यू टेल मी अ लिटिल अबाउट सम फेस्टिवल्स इन डिफरेंट कंट्रीज, आस्क्ड चित्रा. चित्रा ने पूछा कि माँ तुम क्या सभी देशों के त्योहारों के बारे में मुझे बताओगी. सर्टेनली डियर, सेड हर मदर एंड कंटिन्यूड. उसकी माँ ने कहा कि अवश्य. इन घाना ए कंट्री इन अफ्रीका द याम फेस्टिवल इज हेल्ड एवरी ईयर इन अगस्त. अफ्रीका के घाना देश में याम फेस्टिवल प्रति वर्ष अगस्त महीने में मनाया जाता है. It celebrates the end of rainy season and successful harvest of yams. Yams की अच्छी फसल होने पर वर्षा ऋतु खत्म होने पर yams की अच्छी फसल होने पर यह त्योहार मनाया जाता है. Yams are the first crop to be harvested. Yam पहला कृषि का पहला फसल है जो कि जिसकी होने की खुशी में यह त्योहार मनाया जाता है. These yams are then offered to ancestors before being distributed among the tribe. जनजातियों के बीच बांटने से पहले या याम means रतालू फसल. यह फसल सबसे पहले पूर्वजों को दिया जाता है. There is a lot of singing and dancing. नाच गाने होते हैं. This is their way of thanking their ancestors for a good harvest. अच्छी फसल होने पर अपने पूर्वजों को धन्यवाद देने का यह एक अच्छा तरीका है. Spring blossom of cherry trees are celebrated in a big way in Japan as the annual cherry blossom festival, which is known as Hanami. जापान में बड़े पैमाने पर चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मनाया जाता है जो हनामी के नाम से जाना जाता है. ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल People often gather and sit under trees enjoying food and drinks. इस त्योहार में लोग एकत्रित होकर पेड़ के नीचे बैठकर खाना पीना करते हैं.
That must be lovely. Do we have such harvest festivals in India? Asked Chitra. Chitra ne kaha ki ye to bahut achhi baat hai. Kya Bharat mein bhi aisa koi harvest tyohar hum log manate hain? Yes, of course. There are none by different names in different parts of our country. Maa ne kaha ki haan bilkul, lekin alag alag jagahon pe अलग अलग नाम से जाने जाते हैं. हार्वेस्ट फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड एज मकर संक्रांति इन गुजरात एंड राजस्थान. राजस्थान और गुजरात में मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है. पोंगल इन तमिलनाडु, तमिलनाडु में पोंगल के नाम से. एज बिहू इन असम, असम में बिहू के नाम से. एंड इन पंजाब एज लोहड़ी, और पंजाब में लोहड़ी के नाम से यह त्योहार मनाया जाता है. हर मदर रिप्लाई, उसकी माँ ने जवाब दिया. एट द लांटर्न फेस्टिवल इन थाईलैंड एंड चाइना थाउजेंड ऑफ रिवेलर ज्वाइन टूगेदर आर्म्ड विद लांटर्न फॉर वन अनफॉरगेटेबल स्पेक्टिकल. लांटर्न फेस्टिवल में थाईलैंड और चाइना में यह त्योहार मनाया जाता है. इस त्योहार में सभी लोग एकत्रित होकर अपने अपने हाथों में लांटर्न लेकर एक अविस्मरणीय तमाशा के रूप में इस त्योहार को मनाते हैं. देयर आर म्यूजिक एंड डांसिंग, नाच गाने होते हैं. व्हेन द टाइम इज जस्ट राइट टू लाइट द स्काई विथ हाईएस्ट होप, जब सही समय होता है आकाश में प्रकाश, आकाश को प्रकाशित करने का, तो एक ऊंची आशा के साथ, गहरी खेत और अच्छे सपनों के साथ इस त्योहार को मनाते हैं. Is this like Diwali? The festival of lights we celebrate here? Asked Chitra eagerly. Chitra ने पूछा कि हम लोग जो दीपों का त्योहार दिवाली मनाते हैं, क्या उसी तरह यह त्योहार मनाया जाता है? Oh yes, that is where we wear new clothes and burn firecrackers. Her mother said. उसकी माँ ने कहा कि हाँ, बिल्कुल उसी तरह जब हम नए कपड़े पहनते हैं, पटाखे जलाते हैं, उसी तरह चाइना और थाईलैंड के लोग भी लांटर्न फेस्टिवल को मनाते हैं. What about Eid? When is that celebrated? Asked Chitra. ईद के बारे में क्या ख्याल है? चित्रा ने अपनी माँ से पूछा. और यह कैसे मनाया जाता है? For a month, Muslim all over the world keep fast every day. एक महीने तक सभी मुस्लिम प्रतिदिन उपवास रखते हैं. When the month gets over, they celebrate Eid ul Fitr. जब महीना खत्म हो जाता है, तो वो इस त्योहार को ईद उल फितर के रूप में मनाते हैं. It is celebrated because that was the time when Prophet Muhammad first got the Quran. यह त्योहार इसलिए मनाया जाता है कि इस दिन प्रोफेट मोहम्मद कुरान पाए थे. Explain her mother. उसकी माँ ने वर्णन किया. I have so much information about festivals, said Chitra, rubbing her eyes. चित्रा ने अपने आंखों को मलते हुए कहा, क्या मुझे सभी त्योहारों के बारे में सारी जानकारी मिल गई है? Yes, and now you must go to bed, said her mother. माँ ने कहा कि हाँ, बिल्कुल, अब तुम अपने बेड पर जाओ. It's okay.